हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक चर वाले द्विघात समीकरण। और एक्सरसाइज 1.3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 1.4 का भी हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 का 6 तक। ये सारे क्वेश्चन तो हो ही गए, साथ में 3 का 6 तक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच रहा है यही, सॉरी, 5th तक किया है ना, नहीं 6th तक कर लिया है। तो ये 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चंस रह रहे हैं, आज इसे हम पूरा करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल जाएंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यूअस बनी रहेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थिर जल में नौका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, नौका का वेग, धारा की दिशा में 5 घंटे में वो 15 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो धारा का वेग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 ही घंटे में वो धारा के दिशा में एक बार जा रहा है नाव, और एक धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर। ठीक है, कितना टाइम में, टाइम कितना है, 5 आवर्स। और धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, ये आपका मान लो ये दिशा है 15 किलोमीटर, प्रतिकूल में 22 किलोमीटर जा रहा है, कितना आवर्स में, 5 आवर्स में। और अगर स्थिर जल में नाव का वेग कितना दे दिया है, कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर। तो पूछ रहा है कि स्ट्रीम का वेग कितना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड हमें पूछ रहा है। तो चलो क्वेश्चन मान लेते हैं, जो जो नहीं पता होता है वही माना जाता है। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द करंट इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 का 7, लेट स्पीड ऑफ द करेंट करेंट इक्वल्स कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने मान लिया एक घंटे में वो एक्स किलोमीटर जा रही है। एज द स्पीड ऑफ द बोट हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ द बोट हमें पता है कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इतना है। तो अब देखो कि स्पीड ऑफ द बोट विद द करेंट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट विद द करेंट। देखो करेंट के साथ स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो 8 है उसमें x ऐड होगा, है ना, इतना किलोमीटर पर आवर विद द करेंट। करेंट के साथ ही बोट भी जा रहा है, साथ ही साथ उसी दिशा में, तो ये दोनों का वेलोसिटी स्पीड क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड होगा क्या हो जाएगा, 8 + x किलोमीटर पर आवर। अब होगा स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द करेंट, है ना, अगेंस्ट मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में। धारा अगर इस साइड में है तो हम जा रहे हैं इस साइड में, तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने सब कुछ निकाल लिया, करंट का स्पीड विद द करंट और अगेंस्ट द करंट में निकाल लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि इफ द बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, 5 आवर्स में ही वो दोनों स्पीड के साथ चलता है। तो देखो 5 आवर्स क्या है, टाइम है, हमें तो टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकलता है, ठीक है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम होता है ना, तो इसी पे हम काम करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 15 किलोमीटर जा रहा है कितने में, 15 किलोमीटर जाता है कब, जब वो धारा के साथ चलता है, मतलब कि ये स्पीड होगा धारा के साथ, स्पीड ऑफ द बोट विद द करेंट है, विद द करेंट वो 15 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, प्लस और अगेंस्ट द करेंट जो कि 22 किलोमीटर जा रहा है अगेंस्ट द करेंट में, उसको कितना ये रहा है, 8 - x किलोमीटर पर आवर के वेग से। तो ये हमारा टाइम निकल गया ना, दूरी बटा वेग। ठीक है, इज इक्वल टू दूरी बटा वेग, फिर से लिखे, दूरी बटा वेग क्या होता है, टाइम होता है, टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स। ठीक है, दोनों को बस अब यहां से हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, 8 + x * 8 - x = 5। ये कट गया, 15 * 8 - x हो जाएगा, प्लस ये कट गया, 22 * 8 + x। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 8 जब 120 होता है,
120 माइनस 15x प्लस 22 8 से कितना हो जाता है 176 प्लस 22x बाय 8 स्क्वायर माइनस 8 है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 5। यहाँ फिर से सॉल्व करेंगे हम, तो 120 प्लस 176 दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 296। ओके और ये 22 माइनस 15 कितना होता है 7 है ना, 7x। ठीक है ये हो गया 7x और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 64 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे तो 1 छुपा था तो हमने ऐसे से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को इस तरह कर दिया। अब यहाँ पे चलो 296 प्लस 7x तो ये रहेगा, दिख रहा है इसमें, ओके 296 प्लस 7x इसी तरह रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 5 करते हैं 6 5 20 मतलब कि 320 हो रहा है, 320 जब इधर आएगा तो माइनस 320 हो जाएगा और ये माइनस 5x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, ओके इक्वल 0। इसके बाद 5x स्क्वायर इसको सजा के लिखती हूँ मैं, 5x स्क्वायर प्लस 7x और ये 296 में से 320 में से 296 माइनस करेंगे तो कितना होगा 24 माइनस 24 क्योंकि माइनस था ये बड़ा था इक्वल 0। अब इसे हमें क्या करना है, फैक्टर करके सॉल्व कर देना है। चलो साइड में मैं फैक्टर कर लेती हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या लाना है 24 5 सा इसको मल्टीप्लाई करके लाना है तो 15 8 जा कितना होता है, मतलब कि 24 5 जब 120 होता है तो हमें मल्टीप्लाई करके 120 लाना है और माइनस करके हमें 7 लाना है तो 15 8 जब 120 होता है, चलो हो गया 5x स्क्वायर प्लस 15x है ना माइनस 8x, 15 माइनस 8 7 भी होता है और 15 8 जब 120 भी होता है माइनस 20 0। ठीक है यहां से 5x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 माइनस 8 कॉमन जाएगा यहां से तो x प्लस 3 ओके इक्वल 0। यहां से x प्लस 3 एक साथ कॉमन और ये 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 ये हो गया। ठीक है अब आइदर और करेंगे, आइदर और x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ 5x is equals to 8 that is x is equals to 8 by 5। दो आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है तो माइनस में तो कभी भी वेलोसिटी हमने माना था ना, स्पीड माना था, स्पीड कभी माइनस में नहीं होता है तो ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है और ये आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं 1 होल 3 बाई 5 ये हो गया। ठीक है अब हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, x हमने क्या माना था स्पीड ऑफ द करेंट जो कि हमें चाहिए था तो हम क्या लिखेंगे आंसर्स में, स्पीड ऑफ द करेंट इक्वल्स इतना। ठीक है इतना मीटर कितना है किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, एक सुपर फास्ट ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन से 15 किलोमीटर अधिक वेग से चलती है। ओके एक ही स्टेशन से दोनों ट्रेन एक साथ चलकर 180 किलोमीटर दूर अन्य किसी स्टेशन पर सुपर फास्ट ट्रेन एक घंटा कम समय में लगता है तो सुपर फास्ट ट्रेन का प्रति वेग कितना था। सुपर फास्ट को एक घंटा कम समय लगता है, डिस्टेंस वही है। ठीक है और ये भी दे दिया है कि सुपर फास्ट ट्रेन का वेग कितना है एक्सप्रेस ट्रेन की अपेक्षा। ठीक है तो चलो ये मानकर हम चलते हैं सुपर फास्ट ट्रेन की का वेग हम एक्स मानेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्पीड क्या बोल रहा है कि सुपर फास्ट ट्रेन रन्स हैविंग द स्पीड 15 किलोमीटर मोर देन पर आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, तो हम एक्सप्रेस ट्रेन को क्या मानेंगे स्पीड ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन एक्स मानेंगे। ठीक है स्पीड ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन ये नंबर 8 है। ठीक है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्पीड ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन हमने एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया और क्या बोल रहा है कि और इसका जो स्पीड है
वो क्या है? ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या माना है कि स्पीड ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन एक्स माना है, और एक्स मैंने सुपर फास्ट ट्रेन का क्यों माना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सुपर फास्ट ट्रेन हैविंग द स्पीड 15 किलोमीटर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन अगर एक्स होता तो सुपर फास्ट ट्रेन कितना होता, एक्स प्लस 15। लेकिन मैंने इधर ऐसे नहीं माना है, मैंने सुपर फास्ट ट्रेन को एक्स मान लिया है कि सुपर फास्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो एक्स है, तो जो ये ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन है उसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 15, क्योंकि 15 मोर देन इतना हो रहा है, तो इसका कितना होगा, एक्स माइनस 15 होगा। तो मैं इससे माइनस लेकर चलती हूँ क्योंकि आगे बनाने में आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ दी एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन एक्स माइनस 15। अब आप बोलोगे कि मोर देन था ना, मोर देन मतलब वो तो अधिक होता है, मतलब सुपर फास्ट ट्रेन एक्स प्लस 15 होना चाहिए, लेकिन हमने इसी को कम मान लिया है, इसी को एक्स मान लिया है। अगर इससे मोर देन, जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन से 15 किलोमीटर अधिक था ना, तो प्लस 15 करेंगे तो ये कट के एक्स ही तो आएगा, इसलिए हमने इसको एक्स माना है और इसको माइनस करके मान लिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ पे मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखो, टोटल डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर, 180 किलोमीटर था, ठीक है। और डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, इसी पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे कि 180 बाय एक्स माइनस 15, ये क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का है, माइनस 180 बाय एक्स इक्वल्स टू कितना है, 1। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि लिविंग द सेम स्टेशन सुपर फास्ट ट्रेन रीचेस द स्टेशन 180 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर बिफोर द एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब कि इसको बिफोर द सुपर फास्ट ट्रेन जल्दी पहुंचता है और एक्सप्रेस ट्रेन लेट से पहुंचता है, तो जो लेट से पहुंचता है उसको ज्यादा टाइम लगा, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे तो 1 घंटा आएगा मेरा, 1 घंटा पहले ही ये पहुंच जाता है सुपर फास्ट ट्रेन, तो इसीलिए ज्यादा वाले में से कम वाले को हमने माइनस कर दिया, इसको ज्यादा टाइम लगता है, इसको कम टाइम लगता है, तो माइनस करके कितना, दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे का, ठीक है। ये पहले पहुंचता है और ये बाद में, इसको ज्यादा टाइम लगता है, सॉरी ये पहले पहुंचता है इसलिए इसको माइनस किया गया, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हमें सिंपली इसका क्या करना है, फैक्टर ले लेना है। पहले तो एक काम करते हैं, 180 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई x माइनस 15 माइनस 1 बाई x हो जाएगा, 180 कॉमन लेने के बाद 1 बाई 180 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल्स 1 बाई 180, ठीक है। ये कट गया, x माइनस x x कटा, x प्लस 15 साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 15 को 18 से करेंगे तो आ जाएगा 2700, ओके। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, इसे हम करेंगे सॉल्व, सॉल्व कर लेंगे साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2700 यही है ना, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 60 माइनस 45 करने से 15 आता है, माइनस 60x प्लस 45, ओके, प्लस 27। यहाँ पे आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 60 हो जाता है, यहाँ 45 कॉमन ले लो, 15 यहाँ माइनस है सॉरी, 45 कॉमन ले लो तो 45x है, तो x माइनस 60 हो जाता है, ठीक है। तो x माइनस 60 दो बार हो गया, और यहाँ x प्लस 45 कितना आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 60 और x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ मैं, आपको दिक्कत होगी, मैं रब नहीं करती, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइदर और ले लेना है, उसके बाद x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 45, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 60 है। x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया गया होगा आप लोग को कि मैंने इस तरह क्यों किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अगर कुछ समझ में आया तो आप लोग प्लीज कमेंट कर देना, मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ओके ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये रहा, रेहान बाजार जाकर देखी
कि प्रति किलोग्राम मछली के मूल्य से प्रति किलोग्राम दाल के मूल्य 20 रुपया कम था। मतलब कि प्रति किलोग्राम जितना मछली का मूल्य था उससे दाल का मूल्य कितना था? 20 रुपये कम था। और चावल का दाम प्रति किलोग्राम कितना कम था मछली से? 40 रुपये कम था। ठीक है, रेहाना 240 की मछली व 240 रुपये के दाल खरीद कर जितनी मछली और दाल मिलाकर पाई उसी माप का 280 रुपये का चावल के परिमाण के समान है। तो रेहाना ने मछली प्रति किलोग्राम कितनी दर से खरीदी ये ज्ञात करना है। तो चलो रेहाना ने कितने प्रति किलोग्राम मछली खरीदी वो मान लेते हैं। ठीक है, कि हाउ मच पर किलोमीटर फिश शी बॉट ये मान लेते हैं हम। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ फिश, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ फिश मान लिया हमने कितना है एक्स किलो सॉरी क्या था ₹1 पर केजी। मतलब कि ₹1 पर केजी, 1 केजी का दाम कितना है? ₹1 है। ओके, अब प्राइस ऑफ राइस कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ राइस, राइस कितना कम था इससे? ₹40 पर केजी कम था। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ₹40 पर केजी। ठीक है, और उसी तरह पल्स मतलब कि जो दाल था पल्स उसका प्राइस कितना था? ₹20 पर केजी कम था। तो एक्स माइनस ₹20 पर केजी हो जाएगा। ठीक है, सबका हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में कि क्वांटिटी ऑफ फिश देन दैट ऑफ दाल टू 40 इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ 280। ठीक है, 280 तो 240 क्या था? 240 द क्वांटिटी ऑफ फिश एंड दैट ऑफ द दाल, मतलब क्वांटिटी ऑफ फिश और क्वांटिटी ऑफ दाल कितना था? 240 था, ₹240 में उन्होंने खरीदा था। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे 240 में उन्होंने कितना खरीदा है फिश एक्स। ठीक है, 1 रुपये मतलब कि 1 केजी फिश का दाम कितना है? ₹1। तो 240 का कितना हो जाएगा? तो हमने डिवाइड कर दिया 240 बाई x। ठीक है, ₹240 में उसने कितना दाल मिलेगा ये हमें यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड किया 240 बाई x। प्लस अब इसी दाम में सेम पैसे में वो क्या खरीद रहा है? वो दाल भी खरीद रहा है ना, दाल मतलब कि पल्स, एक्स माइनस ट्वेंटी है ना, इससे भी डिवाइड होगा कि इतने रुपीज में कितना केजी खरीदेगा। तो इस पैसे में से इस पैसे को डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना केजी मिलेगा ये पता चल जाएगा। अब ये दोनों को मिला के क्वेश्चन में आगे पढ़ना कि दोनों को मिलाकर उसने क्या खरीदा है? उतने ही प्राइस का राइस, राइस होता है कितने रुपीज में? ₹280 में। ठीक है, ₹280 में उसे सिर्फ राइस खरीद का दाम उसका निकलेगा इन दोनों को मिला के। तो राइस पर केजी कितना था? एक्स माइनस 40, तो ये बाई एक्स माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है? तीनों को अच्छे से सॉल्व कर देना है। यहां से देखो 240 कॉमन निकालते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? 1 बाई x प्लस 1 बाई x माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से 280 तो है ही, इसको 1 बाई x माइनस 40 लिखेंगे। अब ये से इसको काट दो, 28 को कट करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? 4 से काट देंगे, 4 7 28, और ये हो जाएगा आपका 4 6। ठीक है, तो 6 और 7 आ रहा है, और अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू ये हो जाएगा कितना? इसका एलसीएम लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 20 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 बाई x माइनस 40, जैसे है ऐसा लिख दिया हमने। एक्स से एक्स कटा, एक्स माइनस 20 प्लस इससे ये कटा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अब हम करते हैं क्या, इसको सॉल्व करते हैं, 6 मल्टीप्लाई ये एक्स एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2x माइनस 20 बाई इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 20x। ओके, इज इक्वल टू x/x-40। ओके, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इस 7 से इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7x² माइनस 7 2 से कितना होता है? 40 जीरो है तो 140x, और ये 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12x माइनस 120 है ना,
ट्वेल्व एक्स माइनस 120 इंटू एक्स माइनस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब और अच्छे से सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ए सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 140 एक्स तो पहले से था, और इधर हो जाएगा कितना, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको किया हमने, फिर इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 एक्स, ठीक है। इसे इन दोनों को कर दिया, अभी 120 को इसे करेंगे तो माइनस 120 एक्स, माइनस 120 एक्स, और इससे इसको करेंगे तो प्लस 120 इंटू 40, इतना हो जाएगा 48 और डबल जीरो, ठीक है। ओके अब सबको इधर ले आएंगे, प्लस माइनस करेंगे, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। ये 7x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, दैट इज 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। या इसको इधर लेकर जाते हैं, जैसे भी आप कर लो, आपका यही चीज आएगा 5x स्क्वायर माइनस 460x प्लस 4800, यही आपका आएगा इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को आप साइड में मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, वैसे क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 460x प्लस 4800, यही है इक्वेशन आपका फैक्टर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, 80 माइनस 12 करने से नहीं होगा 5x स्क्वायर, यहाँ से 5 कॉमन जाएगा। ओके यहाँ से पहले 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 92x हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 960 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका फैक्टर हम निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे। ओके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 92x प्लस 960, इसका हमें क्या करना है, फैक्टर, फैक्टर करते हैं तो 92x है ना, ऐड करके हमें 92 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 12 है ना, हाँ ऐड करने पे हो जाएगा प्लस 960। अब यहाँ से x का मालो तो x माइनस 80, यहाँ से माइनस 12 का मालो तो x माइनस 80, ठीक है। क्या फैक्टर आया, x माइनस 80 इंटू x माइनस 12, ये फैक्टर आया, इसे यहाँ पुट कर देंगे, मैं यहाँ कर देती हूँ x माइनस 80 x माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब x का x इज इक्वल्स टू 80 आएगा और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 12 आएगा, 12 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतना कम प्राइस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फीस का प्राइस तो राइस के प्राइस के बराबर था और बाकी सबका प्राइस कम था, देखो अगर 12 लेंगे तो 12 एक्स माइनस, जो एक्स माइनस यहाँ पे 40 नजर आ रहा है वो कभी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि राइस का प्राइस कितना था, फीस के प्राइस से कम था, है ना, तो 40 माइनस नहीं हो सकता 12 में से। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू लेंगे जो बड़ा वाला है 80, तो इसे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम वैल्यू लेंगे बड़ा वाला, दैट इज x इज इक्वल टू 80, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ फीस, प्राइस ऑफ फीस 80 kg, 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। प्राइस ऑफ फीस कितना हो गया, 80 रुपीज पर केजी, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है, और आगे का आपका चैप्टर, इसी चैप्टर का एक और एक्सरसाइज बच जाएगा, कौन सा एक्सरसाइज, 1.5। तो 1.5 हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। काफी लंबे लंबे क्वेश्चन थे, आई थिंक एक्सरसाइज 1.5 इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज इसे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।